बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर आज दरौंदा विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अमरनाथ यादव ने आज पर्चा दाखिल किया। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रिक्शा पर बैठकर अमरनाथ यादव नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुँचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं रिक्शा पर बैठकर। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये क्या मतलब दर्शाता है? सबसे पहले बाबू किरोलो के चैनल के माध्यम से महागठबंधन के पूरा बिहार के जनता के और सिवान के जनता के हम अपना गठबंधन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और लाल सलाम पेश करते हैं। दरअसल आज सुबह से हमारी तबीयत खराब था, हाँ तो हम तो हमेशा पैदल आवत रहे हैं, तबीयत खराब हो जाकर चलते हम आज रिक्शा पर आयल बने में गरीबी अमीरी के बात नहीं है, तबीयत खराब आज सुबह हो गया जोन के चलते हम रिक्शा से जाते नहीं, हमने समझे। तो जब अभी आपका तबीयत खराब है तो जनता का सेवा कैसे कर पाइएगा? अब तबीयत को रोज खराब थोड़े रहे ऐसा निखन भी हम अब तबीयत रोज खराब रहे, इसलिए कि जनता आजकल युवाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है और आप युवा नहीं है, लेकिन अगर अभी जिस तरीके से आप आ रहे हैं अपने ही अभी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं तो अभी 5 साल का दौर कैसे गुजारिएगा? हमारा तो अपना हिसाब से हमारा से कोई जवान नहीं खेलो को, हम तो 18 घंटा इलेक्शन कैंपेन कर लिया, 18 घंटा हम एगो नौजवान नहीं हमारे मुकाबला कर सकस, अब तो अरे अभी टाइफाइड हो जा, ज्यादा बुखार हो जा तो क्या करब, खुद तनी आराम कर। मैंने ये आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और हमारा से ज्यादा अगर हम पूरा सिवान के जनता का बिहार में हम जब अपना ईमानदारी से सेवा करी ले, कोई आदमी नहीं को हमारा बात के जवाब दे, जब तक मेरे हम रहल बने दरौली से सरकारी मीटिंग में वो चाह नहीं की चाह, और कोई भी अफसर कोई ठेकेदार कोई नेता ही साबित कर दे कि अमर यादव अगर 2 रुपया कमीशन मंगले हुए तो हम राजनीति छोड़ के कोई के हाथी के सेवा करे, कोई के घोड़ा के सेवा करे। अभी शैलेंद्र यादव आए हुए थे अभी के क्षेत्र से, वो कह रहे थे कि बस मेरी औपचारिकता रह गई है, मैं जीत चुका हूँ, क्या लग रहा है इसमें? मैं हारे के पहले जरा 2 वोट वो जीता था और जरा 20,000 वोट हो जीता था, जनता के अदालत में सब लोग गए, जनता के अदालत में हमू गई बनी, जनता के अदालत में संविधान के हिसाब से जौन भीमराव अम्बेडकर के संविधान जरा जरिए लिखा ही वह संविधान अधिकार देता कि जितना वोट के कीमत एगो ब्राह्मण के बा उतने वोट के कीमत एगो डोम के बा, ओकर अधिकार बा जेकर मर्जी कर से चुनाव लड़ी, हारे खातिर कोई न लड़ो। हमारा से पूछब तो कहब कि हम हार जाए, कारुआ भाजपा के नेता से पूछब तो कही कि हार जाए, रुआ हमरो से पूछे तो हम महागठबंधन के उम्मीदवार बने ज्वाइन, हम बिहार में जितना सीट बा महागठबंधन के सब सीट हम जीते और महागठबंधन के सरकार बने। आपको दुरौंदा में बाहर का प्रत्याशी कहा जा रहा है, जैसे शैलेंद्र जी ने भी बताया कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं और वहाँ की जनता बाहरी प्रत्याशियों को नजरअंदाज करेगी, क्या इसमें सच्चाई लग रहा है क्या? पता ना वो लोग कौना कॉलेज के विद्यार्थी है वही लोग जानता, बिहार ऐसा जगह बा, बिहार ऐसा राज्य बा, अगर इतिहास में वह ढूंढ है तो जॉर्ज फर्नांडिस से घर कहाँ रहे, जॉर्ज फर्नांडिस से घर कहाँ, बिहार में कि बिहार से बाहर, और बिहार के जनता जिता के जॉर्ज फर्नांडिस के भेजा जला कि ना भेजा जला, सरब यादव का घर कहाँ मध्य प्रदेश में, और बिहार के इतना सीना चौड़ा बा कि उनकरा के भी जिता के बिहार के लोग भेजेला, और जो पढ़ले बा विदेशी कॉलेज में वह जवाब दी हम बाहर के कहाँ बानी, हम तो बिहार के बानी, सिवान के बानी, ये जिला के बानी, जे लोग जिला तक गला फाड़ फाड़ के विदेश के बाद मैरवा के बाद दरौली के बाद अरे हम धुरौंधा चलने बानी तबे तो लड़े गई बनी गठबंधन के तरफ से, तबे तो हम उम्मीदवार बनी, धुरौंधा मतलब का हो, धुरौंधा का हो, का कोनो रूस का ही अमेरिका का, धुरौंधा हमनी के बिहार के हो, हमारा जिला के हो, गठबंधन का उम्मीदवार बनी, जरा के जनता गला में माला पहरा दी वह सिकंदर बा, ते में बाहरी भीतरी का बता, हमारे घर है रघुनाथपुर में, हम 3 बार एमएलए बनी दरौली में, 3 बार 2 बार रहनी आ 1 बार सरकार ना बनल, तब तो हम चुनाव ना लड़े, संविधान के उल्लंघन हो जाए, संविधान कहता कि देश के अगर रुआ बानी तो जहाँ मर्जी करे वहाँ रुआ चुनाव लड़ी, एम एस संविधान हमारे के इजाजत देता और हिसाब से हम लड़ते जो जीता वही सिकंदर, जैसे अभी अमरनाथ जी ने कहा।